साल 2023 के अगस्त महीने में सोशल मीडिया पर हमेशा की तरह कई झूठे सांप्रदायिक दावे चलाए गए, लेकिन साथ ही साथ भारत के चंद्रयान 3 के चंद्रमा के साउथ पोल में लैंड होने के बाद इस ऐतिहासिक घटना से जुड़े भी कई फर्जी दावे इंटरनेट पर चलाए गए। वहीं इस महीने के मध्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑनलाइन संबोधन देते हुए दरभंगा एम्स को लेकर एक गलत दावा किया था। आज के इस वीडियो में ऑल्ट न्यूज आपको अगस्त 2023 में किए गए इन्हीं दावों का फैक्ट चेक संक्षिप्त में बताएगा। ये वीडियो शेयर करते हुए इंटरनेट पर दावा किया जा रहा था कि म्यांमार से इस तरह मणिपुर में घुसपैठ की जा रही है। फेसबुक से लेकर ट्विटर पर इसी दावे के साथ ये वीडियो वायरल हुआ था। हमारी छानबीन में सामने आया कि ये वीडियो ईरानी खानाबदोश परिवार की जीवनिका है। यूट्यूब पर इस लंबे वीडियो में ईरानी खानाबदोश परिवार के रोजमर्रा के पहाड़ी जीवन को दिखाया गया है। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई थी, जिसमें हिंसा की खबरें सामने आई थी। इस हिंसा से जोड़कर सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें शेयर की जा रही है। हमारी टीम ने पाया कि ये तस्वीरें हाल की हिंसा की नहीं बल्कि पुरानी है। ये तस्वीर करीब 6 साल पुरानी है। पंचकुला में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सजा सुनाए जाने के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और ये उसी घटना की तस्वीर है। वहीं ये तस्वीर साल 2013 में ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन हुई हिंसा की है और ये दोनों तस्वीरें साल 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में कानपुर में निकाली गई रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प की है। जी न्यूज ने नूह हिंसा के दौरान फायरिंग कर रहे इस व्यक्ति को पुलिसकर्मी बताया और इसके बजरंग दल से जुड़े होने के दावों को खारिज किया। ऑल्ट न्यूज ने इस व्यक्ति के बारे में तफ्तीश की और पाया कि ये व्यक्ति बजरंग दल से जुड़ा अशोक बाबा है। ये बात उसने खुद एक फेसबुक पोस्ट में भी कही थी। मैं अशोक बाबा, बजरंग दल विभाग संयोजक फरीदाबाद, मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहता हूँ। अभी रामनवमी की शोभा यात्रा पर गुरुग्राम में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिस शोभा यात्रा में हमारे कुछ बजरंगियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। अगर जय श्री राम बोलना और रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालना अपराध है तो बजरंग दल ऐसा अपराध करता आया है और करता रहेगा। और रविवार तक अगर हमारे बजरंगियों का कोई भी समाधान नहीं निकलता है या उन पर दर्ज की गई FIR नहीं काटी जाती है तो बजरंग दल भारी से भारी मात्रा में, हजारों की संख्या में जेल भरो आंदोलन करेगा। नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बीच इस शख्स का ये वीडियो काफी शेयर किया गया। लोगों ने दावा किया कि ये व्यक्ति हरियाणा के मेवात क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं मेजर सुरेंद्र पुनिया ने दावा किया कि ये यूट्यूबर राजस्थान के अलवर में रहता है। छानबीन करते हुए हमने पाया कि ये शख्स भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का रहने वाला है। हमारी डिटेल वीडियो रिपोर्ट आप स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर शेयर करते हुए कहा जाने लगा कि दिल्ली में केंद्रीय PWD इंजीनियर के घर में छापेमारी करने पर 13 करोड़ रुपए बरामद किए गए। हमारी जांच में सामने आया कि ये दावा पूरी तरह से गलत है। ये वीडियो साल 2021 में कर्नाटक के कलबुर्गी में एंटी करप्शन ब्यूरो के एजेंट्स द्वारा PWD जूनियर इंजीनियर के घर पर छापा मारने का है। 12 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को ऑनलाइन संबोधित करते हुए ये कहा।
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। ऑल्ट न्यूज ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए दावे का फैक्ट चेक करते हुए पाया कि दरभंगा एम्स के लिए उस वक्त तक जमीन भी तय नहीं की गई थी, तो फिर वहां एम्स बनने का दावा गलत है। 23 अगस्त को भारत के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के साउथ पोल के पास लैंडिंग की। इस ऐतिहासिक घटना ने इंटरनेट पर काफी वाहवाही इकट्ठा की। ऐसे में इससे जुड़ी गलत जानकारियां भी शेयर की गई। हाल ही में बीबीसी वर्ल्ड न्यूज का ये वीडियो काफी शेयर किया गया। So, you know, I'm going to have to ask you, because some people will be thinking about this. India, a country that lacks a lot of infrastructure, a country that has extreme poverty. I think more than 700 million Indians don't have access to a toilet. Really? Should they really be spending this sort of money on a space program? Well, this is something which has always been debated over here in the last 30, 40, 50 years. But there is another fact which... हमारी जांच में सामने आया कि ये बीबीसी रिपोर्ट 2019 की है और चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई नहीं है। बीबीसी न्यूज प्रेस टीम ने भी इस दावे का खंडन किया था। ये वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के जश्न में इसरो चीफ डांस कर रहे हैं। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये वीडियो इस साल जुलाई में हुई G20 बैठक का है, जिसमें इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ डांस करते हुए दिखे थे। इसके साथ ही नूह हिंसा के बाद ऑल्ट न्यूज ने 2 डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें हिंदुत्व का प्रचार करने वालों की हेट स्पीच का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। ये दोनों रिपोर्ट्स आप हमारी वेबसाइट्स पर जाकर पढ़ सकते हैं।